हेलो एंड शालोम एवरीवन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ और वो है हन्ना की लाइफ से एक ऐसे सीक्रेट को सीखने के बारे में, एक ऐसा रहस्य जिसके साथ आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर की ओर से आते हुए देखेंगे। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर जी तो हन्ना की कहानी तो हमने इतनी बार पढ़ी है, हमें इसके बारे में पता है, हमने सुनी है, हमने इस पे मेडिटेट किया है, तो आप हमें ऐसा क्या खास आज बताने जा रही है? ऐसा सीक्रेट जो शायद आपको नजर नहीं आया है या शायद आपने मिस कर दिया है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए, जब हम फर्स्ट शमूएल देखते हैं उसमें हन्ना के बारे में आप जान पाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एल्काना नाम का एक बंदा था जिसकी दो वाइफ्स थी, हन्ना और पनिन्ना, और ये दोनों ही सौतन थी ऑब्वियसली। अब हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पनिन्ना जो थी उसके पास बहुत सारे बेटे और बेटियां थे। लेकिन यहाँ पर दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक ये कि एल्काना जो उसका हस्बैंड था वो एक बहुत ही रिच, बहुत ही वेल्दी मैन था। उसका सबूत हमें इस बात से भी मिलता है कि वो हर साल यहोवा परमेश्वर के भवन में जाता था ऑफरिंग्स चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइसेस करने के लिए, और जो वो ऑफरिंग्स किया करता था दोज वर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। जो उसका अपना एक औधा था समाज में, उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पर जो ऑफरिंग्स और सैक्रिफाइसेस चढ़ाया करता था। So, इससे हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और रिस्पेक्टेबल बंदा था, जिसका एक बड़ा सा कुटुंब था, जिसके बीवियां बच्चे उसके साथ जाया करते थे। ऑब्वियसली वो अफोर्ड कर सकता था, इसलिए सबको साथ लेकर जाता था और हर साल जाया करता था। सो ये बात तो एस्टैब्लिश हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि जब फोर्थ आयत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाया करता था तो वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। तो उनको तो वो दान दिया करता था, लेकिन क्या करता था, हन्ना को वो दूना दिया करता था। Why? Because वो लिखा है हन्ना से बहुत प्यार करता था। इसका मतलब कि हन्ना का हस्बैंड जो है वो वेल्दी भी है, एस्टैब्लिश्ड बंदा है, रिस्पेक्टेबल बंदा है, साथ ही साथ वो उसे बहुत प्यार करता है। अब एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड उसको इतना प्यार करता हो और अच्छे लेवल पर भी हो, उसका स्टेटस भी अच्छा हो, एक औरत को और क्या चाहिए होता है। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि हन्ना की जो सौतन थी, जो उसकी राइवल थी, वो उसे चिढ़ाया करती थी, वो उसे ताने दिया करती थी, वो उसे प्रोवोक किया करती थी, वो उसको इतनी जो कॉर्नर तक पुश कर दिया करती थी इमोशनली और फिजिकली और मेंटली, कि वो इतनी एम्बेरेस्ड फील करती थी कि उसके बाद ना तो उसे भूख लगती थी, ना उसे प्यास लगती थी, ना वो अच्छे से उस फेस्टिवल को एंजॉय कर पाती थी, ना वो अपनी ट्रैवल्स को एंजॉय कर पाती थी, ना वो परमेश्वर के भवन में आने को एंजॉय कर पाती थी, ना वो सब मिल बांट कर जब उस जगह पर फीस्टिंग करते थे उसको भी वो जॉयफुली उसमें भी अपनी हिस्सेदारी नहीं डाल पाती थी। अब हुआ क्या, देखिए यहां पर जब आप सिक्स्थ आयत पढ़ते हैं तो लिखा है परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत, यानी अत्यंत मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा समझ से बाहर, आई थिंक बियॉन्ड वर्ड्स और एक्सप्रेशन, क्योंकि इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि हैनाज राइवल प्रोवोक्ड हर बिटरली, यानी उस लेवल तक जहां उसकी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो चुकी थी, यानी उस जगह पर जहां पर वो और सह नहीं सकती थी, यानी उस जगह पर उसको ले आई जहां पर उसकी बातें, उसकी वर्ड्स, उसके एक्सप्रेशन सब खत्म हो गए, और अब वो ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां पर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाना परमेश्वर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन बिकॉज द लॉर्ड हैड लेफ्ट हर चाइल्डलेस, यहां पर अगर हम प्रोवोकेशन की बात करें, अगर हम चढ़ाए जाने की बात करें, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और शायद आज के मैसेज में जो बात मैं एम्फसाइज करूंगी वो यही है। आप अगर इसे मार्क करना चाहते हैं अपनी बाइबल में, इसको अंडरलाइन कर ले, इसको गोल चक्कर लगा ले, दिस इज द सीक्रेट। अब आप बोलेंगे कि पास्टर नीतू चढ़ाए जाने में कौन सा ऐसा सीक्रेट है, ऐसी कौन सी बात है चढ़ाए जाने में? देखिए, चढ़ाए जाने में, प्रोवोक किए जाने में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है।
पहले भी हन्ना आया करती थी परमेश्वर के भवन में। हर साल वो उस जगह पर आती थी, हर साल वो प्रार्थना करती थी, हर साल वो उदास होती थी, हर साल वो उस जो दर्द में से, उस दुविधा में से निकलती थी। लेकिन यहां पर जो बात की गई है कि उसकी प्रोवोकेशन, जो उसकी राइवल की प्रोवोकेशन, उसका चिढ़ाए जाना, उसका उसको ताने देना इतना बढ़ चुका था कि अब वो सह नहीं सकती थी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आपके कोलीग्स या आपके बॉसेस या आपके राइवल्स या आपके कंटेम्प्रेरीज या आपके जो काउंटर पार्ट्स है, कोई भी आपको उस लेवल पर दिखता हो जो आप लेवल अचीव करना चाहते हैं। अब यहां पर हन्ना, शी वॉज बैरन, शी वॉज चाइल्डलेस, लेकिन वो अपने आप को एक ऐसी मां देखना चाहती थी, वो अपने आप को एक ऐसे लेवल पर देखना चाहती थी जहां पर उसकी राइवल थी, और राइवल के पास लिखा है बहुत सारे बेटे और बेटियां थे। तो अब वो क्या कर रही है, शी इज एस्पायरिंग टू बी इन दैट प्लेस वेयर पनिन्या इज। तो अब वो जगह चाहती थी जहां पर उसकी राइवल, जहां पर उसकी सौतन थी, पर वो जगह उसके पास नहीं थी। अब सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती, लेकिन उस जगह पर होने के बावजूद भी वो उसको प्रोवोक किया करती थी, पनिन्या उसको चिढ़ाया करती थी, और उसकी चिढ़ाने की वजह यह हुई कि उसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आ गई, उसकी जिंदगी में डेस्परेशन आ गई, उसकी जिंदगी में गुबार आ गया। लेकिन उसने उस गुबार को लड़ाई के साथ या उस गुबार को, उस जो अंदर ज्वालामुखी उसका उसके बन रहा था, उसको ऐसे किसी चीज में नहीं जाने दिया, लेकिन उसने वो सारी की सारी प्रोवोकेशन अपनी प्रार्थना में लगा दी। She put all of her provocation, all of her desire, all of her embarrassment, सिर्फ एक जगह पर उसने उसको चैनलाइज किया, और वो था प्रार्थना में। देखिए मेरे अजीजों, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने अलाउ किए हैं कुछ ऐसे लोग। अब हन्ना की लाइफ में परमेश्वर ने उसकी सौतन अलाउ की थी कि वो उसको प्रोवोक कर सके, ताकि वो उसको एम्बैरेस कर सके, ताकि वो उसको हर समय चिढ़ाती रहे, ताकि वो उसको इतनी शर्मिंदा कर दे कि वो अपने अंदर उस दर्द को, उस मर्म को, उस पीड़ा को लेकर चलती हो। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है आपके राइवल्स आपको इतना चिढ़ाते हो सकता है आपके काउंटर पार्ट्स अपने सक्सेस के साथ आपको चिढ़ाते हो। आप जिस जगह पर है आप देखते हो, लेकिन सिर्फ देखना ही काफी ना हो, वो जानकर ऐसे एफर्ट्स करते हो जिससे आपको दुख पहुंचे, जिससे आपको ठेस पहुंचे, जिससे आप दर्द के साथ भर जाए, जिससे आप डेस्परेट हो जाए। और क्यों परमेश्वर अलाउ करते हैं, परमेश्वर इंटेंशनली अलाउ करते हैं ऐसे एनिमीज को, ऐसे राइवल्स को, ऐसे अपोनेंट्स को, ऐसे काउंटर पार्ट्स को, ऐसे कंटेम्प्रेरीज को इंटेंशनली परमेश्वर अलाउ करते हैं, ताकि वो आपको प्रोवोक कर सके, वो आपको चिढ़ा सके, वो आपको एम्बैरेस कर सके, ताकि आप और अंदर से टूटे हुए मन के साथ, पिसे हुई क्रश्ड स्पिरिट के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जा सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। जब आप उस पीड़ा के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, और उस ज्वालामुखी को कहीं और नहीं लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर के सामने फटने देते हैं, तब आप देखते हैं कि चीजें बदलती हैं, तब आपके लिए जो चीजें हैं वो ट्रांसफॉर्म की जाती हैं, तब स्टोरीज को टर्न अराउंड किया जाता है। यहां पर हन्ना ने क्या किया, हन्ना इतनी दुखी थी, इतनी दर्द के साथ भरी हुई थी, और वो इसलिए नहीं दर्द के साथ भरी हुई थी कि उसके बच्चा नहीं था, वो इसलिए दर्द के साथ भर गई थी क्योंकि उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। एक तो देखिए वो बैरन, That was a reason sufficient for her कि वो blessing नहीं बन पाई, उसकी जिंदगी में बच्चे की blessing नहीं है। एक तो ये reason sufficient थी उसके लिए, ये जानने के लिए कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर, देखिए उस time पर अगर हम बात करें उन जमानों की, तो जब तक एक औरत के बच्चा नहीं होता था तो उसको एक बड़ी ही अलग सी नजर से देखा जाता था, एक बड़े ही हीन भावना के साथ उसको देखा जाता था, उसको डाउन, यू नो, लो महसूस करवाया जाता था। तो चाहे कोई कहे या ना कहे, लोगों के आंखों से या लोगों के सोच से या लोगों के उसको देखने से ही उस औरत को पता चल जाता था कि उसकी जिंदगी में कोई कमी है। लेकिन उसके ओवर एंड अबाव क्या हुआ कि परमेश्वर ने अलाउ किया कि उसके अपने ही घर में रहने वाली, उसकी अपनी ही सौतन उसके ऊपर इतनी प्रोवोकेशन, इतनी नालिश को लेकर आए कि वो
उस दर्द को सह ना पाए। सो पहली चीज, जो पहला सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, वो ये है कि परमेश्वर आपको प्रोवोक करने के लिए, हो सकता है कि आपकी कमी जो है आपको पता है, आपको अखरती है, वो प्रॉब्लम एरिया आपको पता है, लेकिन परमेश्वर अलाउ करेंगे कोई ऐसा बंदा जो आपको चिढ़ाए, चाहे जेस्टर्स के साथ, चाहे शब्दों के साथ, चाहे अपने जो एक्शंस के साथ, वो किसी तरह आपको चिढ़ाएगा ताकि आप प्रोवोक हो सके। और अगर आज आप प्रोवोक हो रहे हैं तो खुश हो जाए, माय फ्रेंड्स बी हैप्पी अबाउट इट। परमेश्वर के लोगों इस बात में खुश हो जाए कि परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं कि कोई आपको प्रोवोक कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन प्रार्थना में और आंसुओं में निकालनी है ताकि परमेश्वर आपकी बात को सुन सके। अब दूसरा सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि देखिए, जब वो यहां पर आती है और एली उसको देखता है, वो बहुत ही दर्द के साथ भरी हुई होती है, उसके मन में एक प्रार्थना होती है, वो परमेश्वर के सामने उस प्रार्थना को रख रही है, बट एट द सेम टाइम उसके शब्द नहीं निकल रहे, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और क्योंकि फीस्टिंग के टाइम पे जनरली क्या होता था कि लोग जो फीस्ट करते थे साथ में वो वाइन भी पिया करते थे, जिससे काफी लोग जो है वो मतवालेपन का शिकार भी होते थे। अब एली को लगा कि शायद ये भी बंदी जो है फीस्टिंग करके आई है, और क्योंकि अब अच्छे घराने की बंदी है, अच्छे से फीस्ट किया होगा इन्होंने, खूब इलेबोरेट खाना खाया होगा, तो साथ में जो वाइन इसने पी है वो इसको चढ़ गई है, जिसकी वजह से ये ऐसा ऑकवर्ड बिहेव कर रही है। लेकिन वो कहती है कि मैं इसलिए नहीं ऑकवर्ड बिहेव कर रही क्योंकि मैंने कुछ पी रखा है, मैंने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। लेकिन वो बताती है कि मेरे अंदर दर्द ही इतना ज्यादा है कि मेरे शब्द ही कम है, शब्द निकल ही नहीं रहे, लफ्ज मेरे मुंह से बाहर आ ही नहीं रहे। यहां पर जब एली उसको आशीष देता है, उसे ब्लेस करता है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और सीक्रेट नंबर दो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि जब आप 19th आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, वह सवेरे उठ यहोवा परमेश्वर को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। अब इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ते तो यहां पर ऐसा लिखा है कि family got up early next morning, worshipped before the Lord and returned to their home in Ramah. Elkanah knew Hannah his wife and the Lord remembered her. Come on, I mean, Lord remembered her, yani Parmeshwar ne usko yaad rakha. To ab aap ye puchhenge ki iska matlab aisa kaise, Pastor ji, ke kya Parmeshwar Hannah ko bhool chuke the? जी नहीं, परमेश्वर ने हन्ना को याद रखा। इससे पहले भी हन्ना आती थी, दुआएं करती थी, हर साल उस जगह पर आती थी। इससे पहले भी हन्ना अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखती थी, और मुझे लगता है कि हर साल परमेश्वर कहते होंगे, वेट वेट, अभी समय नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया, आई विल डू समथिंग अबाउट इट, बट वेट फॉर अ वाइल। और इस बार जब वो पूरी तरह से टूटी हुई, पूरी तरह से प्रोवोक्ड उस जगह पर गई, तो इस साल परमेश्वर ने उसे याद रखा, इस साल उसकी सारी प्रार्थनाएं, और इस प्रार्थना ने जो उन सब प्रार्थनाओं को सील कर देने वाली थी, उन सब प्रार्थनाओं को सॉलिडिफाई कर देने वाली थी, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने याद रखा। और लिखा है कि जब वो अपने घर गई और अपने हस्बैंड के साथ थी, परमेश्वर ने उसे याद रखा। मेरे अजीजों, हो सकता है आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, रो रो के प्रार्थनाएं की हैं, दिन रात प्रार्थनाएं की हैं, किन्हीं ऐसी चीजों के लिए प्रार्थनाएं की हैं जिनका समय बहुत लंबा हो गया, और आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि प्रभु ये तो बहुत मुश्किल हो गया, प्रभु मैं देखता हूं कि मेरा जो काउंटर पार्ट है वो मुझसे बेटर कर रहा है, जबकि उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी कैपेबिलिटी मुझसे बेहतर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी कंटेम्प्रेरी जो है वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर पा रही है, जबकि मैं उससे बेटर परफॉर्म कर सकती हूं और मैं कर भी रही हूं, लेकिन मेरा सक्सेस उस लेवल पर नहीं है। हो सकता है कि आप किसी के बच्चों को देखकर अपनी लाइफ में ये सोच रहे कि मैं अपने बच्चों को ऐसे रेयर अप क्यों नहीं कर पा रही। हो सकता है कि आप किसी के जिंदगी में उसके बहुत सारे बच्चों की लाइफ को देखकर ये सोच रहे कि प्रभु मेरी जिंदगी में बच्चों की आशीष क्यों नहीं अभी तक आई। हो सकता है कि लाइफस्टाइल में, हो सकता है हेल्थ में, हो सकता है फैमिली स्टेटस में, हो सकता है किसी भी तरीके से आप भी किसी को देखकर एस्पायर कर रहे, और आप परमेश्वर से कह रहे कि प्रभु मैं क्यों नहीं
व्हाई नॉट मी, मैं भी तो प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं भी तो प्रार्थनाएं कर रही हूं। और फिर एक ऐसा समय आए कि वो आपको रिसियाने लगे, वो आपको चिढ़ाने लगे, वो आपको प्रोवोक करने लगे, और आप उसकी हरकतों से, उसकी बातों से, उसके जेस्टर्स से प्रोवोक्ड फील कर रहे हैं। अब ये वही समय है कि आप अपनी प्रार्थना को एक बार फिर से अपने आंसुओं, अपने मर्म और अपने दर्द के साथ परमेश्वर के सामने लेकर आए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको याद रखेंगे। मेरे अजीजों, आज का ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटा मैसेज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ पा रहे हैं इस मैसेज की इंपॉर्टेंस और ग्रेविटी को, मैं चाहती हूं कि आप देखें कि परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में आपके प्रेयर्स को आंसर करते हैं। परमेश्वर से अपने सवालों के जवाब को हासिल कर सकें, आप भी हन्ना की तरह टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। आप भी परमेश्वर के सामने उस ज्वालामुखी को फटने दें जो आपके अंदर इतने सालों के दर्द और प्रोवोकेशन के साथ हुआ है, इतने सारे इंस्टेंसेस के साथ हुआ है। और मेरी प्रार्थना है कि जैसे यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना को याद रखा, परमेश्वर आपको भी याद रखे। और आगे लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक बेटा हुआ और उसका नाम शमुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। जी हाँ, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और आप पाते हैं, आप जानते हैं ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, ये सिर्फ परमेश्वर का ग्रेस है जो आपकी लाइफ में उतारा गया, क्योंकि प्रभु ने आपको याद रखा और उसने कहा कि मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने लिए जब परमेश्वर से आज रो रो के हन्ना की तरह मांगे, आज आप दुआ करें, आज जब आप अंदर से अपना सारा दुख और दर्द परमेश्वर के सामने रख दें, तो आप भी इस बात को कह सकें, मैंने यहोवा परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के इस मैसेज से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूं कि आप जरूर परमेश्वर के सामने इन सीक्रेट्स को अप्लाई करते हुए अपनी लाइफ को एक बेहतरी के मोड़ पर आते हुए देखेंगे, प्रभु यीशु के जिम्मा नाम में, आमीन। अगर आप हमारे वीडियोस से इंस्पायर और इनकरेज होते हैं और आप चाहते हैं कि और भी लोग ब्लेस्ड हों, तो आप जरूर हमारी वीडियोस को उनके साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि जब जब नई वीडियोस आए तो आप उनका हिस्सा बन सके, आपको नोटिफाई किया जाए, ताकि आप भी परमेश्वर से और आशीष को पा सके, आमीन। हमारे वेबसाइट और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमसे अपने लिए प्रार्थना के लिए मैसेज भेज सकते हैं, अपनी टेस्टिमनीज के लिए बात कर सकते हैं और अपने ईमेल्स भी हमें भिजवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, शालोम।